आप भी कार्टून वाले वीडियोस बनाना चाहते हैं, एनिमेशन बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे क्लिप बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको आज अब सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक कार्टून वाले वीडियो बना सकते हैं। हर एक क्लिप को ऐड कर करके हम लोग एक मूवीज बना सकते हैं, छोटे छोटे एनिमेशन बना सकते हैं। किसी भी तरीके का आप एनिमेशन जो भी आप देखते होंगे, कार्टून देखते होंगे, वो कैसे बनता है, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक एप्लीकेशन होगा। उस एप्लीकेशन के थ्रू, उस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कार्टून्स वाले वीडियोस बनाएंगे, मूवीज बनाएंगे, एनिमेशन बनाते हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का ट्रिक्स लेकर के आता हूँ। तो बिना टाइम लॉस किए हुए चलिए चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और वहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे हम लोग अपने मोबाइल से ही कार्टून्स वाले वीडियो बनाते हैं। तो एप्लीकेशन है जिसपे हम लोग कार्टून वाले वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे ऊपर में जो आपको प्लस बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको कम से कम इस एप्लीकेशन में 5 कॉइन रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इस पर वीडियोस बना सकते हैं। और अगर आपके पास 5 कॉइन नहीं है तो आप यहाँ से जा करके उसको ऐड कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पे देखिए दिया हुआ फ्री एड्स देख करके, और या फिर एक गेम होता है उस गेम को खेल के, या फिर कुछ पैसे लगा करके। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इस पर आपको 30 कॉइन मिल जाता है, उस पर भी साथ उसके साथ भी आप वीडियोस बना सकते हैं। तो जब ये एप्लीकेशन ऑन होता है, एप्लीकेशन का लोगो आप देख पा रहे होंगे, MJOC2। ये एप्लीकेशन सबसे बढ़िया होता है इस तरीके का वीडियोस बनाने में, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता है ये एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब एप्लीकेशन ओपन होता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे खुल करके आता है, जो कि आप अपने बैकग्राउंड को ले सकते हैं, इस पर डाल करके आप अपने वीडियोस बना सकते हैं। तो मैं एक बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ और उस पर हम लोग वीडियोस बनाएंगे, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अपने वीडियोस को बना सकते हैं। अगर मैं ये ऑफिस का एक माहौल ले लूँ तो देखिए, जब से वो मैंने क्लिक किया तो इस तरीके का खुला। अब एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, एक मैंने इसको ले लिया, एक मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना। ये लेने के बाद अगर जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं या फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ सेटिंग आता है, ये वो हम लोग सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले इसके सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ये आ गया इस पर कैरेक्टर्स चुनने के लिए। अगर मैं इसको ले लेता हूँ या फिर इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, आपको जो मन करता है आप उसको ले सकते हो। उसके बाद फिर आप फिर इसको बैक करोगे, यहाँ पे इस पर यूनिफॉर्म पे आता है, इस तरीके का आप तरीके का यूनिफॉर्म भी आता है, यहाँ पे एनिमेशन आता है, इस तरीके का बहुत कुछ आता है जिस पे कि आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं अगर इसको रख लेता हूँ, ये आ गया हमारा। ये होने के बाद फिर हमें इसको सीधा सेव कर देना है, और ये देखो, अगर आप सेव करोगे, अगर कैरेक्टर को कुछ भी चेंजेस करते हो तो इस पर आपका क्रेडिट जो है 5 कॉइन जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको अलाउ नहीं करूँगा, और जो कैरेक्टर मेरे साथ में है अभी, मैं उसी कैरेक्टर पे ही आपको वीडियो बना के सिखाऊँगा कि कैसे हम लोग वीडियोस बना सकते हैं। तो ये 2 कैरेक्टर आ गया मेरे पास। अब इसको मैं यहाँ पे सूट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे सूट पे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ गया। ये देखो, इस तरीके का आ गया। आप देखते होंगे कि इस तरीके का वीडियो कितना ज़्यादा कॉमेडी वाला, फ़नी वाला बनता है। तो इस पे आप इस तरीके से इसको आप बना सकते हो। तो मैं आज आपको बताऊंगा पूरा इस वीडियो में कि कैसे हम लोग इस वीडियो को बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखता होगा लेफ़्ट में कुछ सेटिंग्स टूल्स दिए हुए हैं, राइट में कुछ सेटिंग टूल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ये बटन है। ये रिकॉर्डिंग बटन यूज़ कब करना है मैं आपको इस वीडियो में वो ही बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने के बाद बहुत सारा सेटिंग जो है वो आप देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको तरीका बिल्कुल बहुत फैक्ट तरीके से दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग इस वीडियो को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ म्यूज़िक आ रहा है। जब हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ बहुत सारा म्यूज़िक आ रहा है। आप इस म्यूज़िक को अगर सुन सकते होंगे तो यहाँ पे देखिए, इतना ढेर सारा म्यूज़िक का ऑप्शन आ रहा है। अब अभी मैं इस म्यूज़िक पे अगर क्लिक करूँ तो शायद आपको सुनाई ना दे कि किस तरीके का आवाज़ आ रहा है, और अगर सुनाई दे रहा होगा तो वेरी गुड, क्योंकि मैंने हेडफोन, चूँकि मैंने माइक लगाया है इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है, और जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि आवाज़ आ रहा था या नहीं आ रहा था। ये एक म्यूज़िक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये एक एनिमेशन हो गया। आप कैरेक्टर को देख सकते हैं कि कैरेक्टर किस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना। जो रेड कलर में जो कैरेक्टर है, आप चाहे तो उसको भी जंपिंग करवा सकते हैं। तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ एक बार।
उसको एनिमेट करवा करके, देखिए मैंने जो कैरेक्टर पे क्लिक किया वो कैरेक्टर के सामने में चला गया। अब इस पे मैं एनिमेशन करता हूँ तो देखिए इस तरीके से डांस कर रहा है। इस तरीके का डांस वाले में भी आप अपने बहुत अच्छे वीडियोज़ बना सकते हैं। चलो अब जस्ट इसके नीचे में आ गया ये स्माइली, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप मोशन दे सकते हैं इसको, सैड का, गुस्से होने का, स्माइल का, बिल्कुल नॉर्मल का, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ और सेकंड कैरेक्टर को मैं ये ले लेता हूँ और सेकंड कैरेक्टर को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ थोड़ा स्माइली टाइप का, मैं इसको भी कर देता हूँ। ये आपको दिखेगा नहीं बट अभी जब मैं इसको रोल करूँगा तो ये आपको दिखेगा। फिलहाल मैं अभी सेटिंग बता दे रहा हूँ आपको ताकि आप समझ पाएँ। और इधर राइट साइड में देखिए रिकॉर्डिंग बटन है, तो रिकॉर्डिंग बटन हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमें वीडियो हमारा कंप्लीट सेटअप सेट हो जाता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया इस टूल्स के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नीचे में आपको दो, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, नीचे में आपको दो टूल्स और दिख रहे होंगे जो कि आपका ये रोट अपने वीडियो को वो रोट करता है, दाएं बाएं घुमाता है, अपने कैरेक्टर को जहाँ आप चाहें वहाँ सेट करवा सकते हैं, इसका काम यह है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि जब हम लोग इसका काम करेंगे ना, तो एक चीज़ बता दूं कि ये प्रैक्टिस करने के ऊपर है, आप इसको जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उतने अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर लेकर के आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसको बैठाना है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे आ करके बैठ गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे राइट वाले पे मैंने क्लिक किया, राइट पे जब मैंने क्लिक किया तो ये इस तरीके का मोशन में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये रेड वाले को, मैं रेड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अब मैं इसके पास आ गया, अब मैं इसको उस लेडीज़ के पास ले कर जाऊँगा। देखो ये इधर पर आ रहा है, ये प्रैक्टिस करने की बात है, अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर मोशन देंगे, अब ये कुछ बात करेगा, अब ये फिर कुछ बोलेगा। अगर मैं यहाँ पे, अब देखो अब यहाँ पर रिकॉर्ड बटन ये स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। अब ये यहाँ से चलते हुए, अब यहाँ से चलते हुए ये लेडीज़ के पास जाएगा। तो अब हमारा बिल्कुल सेटअप तैयार है, अब हम लोग अपने वीडियोज़ को बनाना चालू करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंटिंग 1 2 3 स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से मूव करवाता हूँ और देखो ये जब मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे डाला तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ बोलते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ये आपको कुछ बोलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं चलूँगा सीधा उस लेडीज़ के पास, इसको ले कर जाऊँगा। देखो ये आ गया लेडीज़ के पास। अब आप इसमें आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि ये चुप हो जाए और लेडीज़ कुछ बोले तो फिर से आपको कैरेक्टर पे क्लिक करना है। कैरेक्टर के पास देखिए हम लोग आते हैं और कैरेक्टर को आप चाहते हैं कि कैरेक्टर का फेस जो है वो आपको सामने से दिखे, तो हम लोग फिर ये राइट वाले पे क्लिक करेंगे और इसको रिकॉर्डिंग पे ही रखेंगे। और देखो अब ये लेडीज़ बोलना चालू करिए, तो इसमें आप जिस तरीके का कॉमेडी चाहते हैं उस तरीके का कॉमेडी आप ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसको जहाँ भी जैसा भी बैकग्राउंड आपको रखना उस तरीके से बैकग्राउंड लीजिए, इसको रोटेट कीजिए, कैरेक्टर को रोटेट कीजिए, पूरे का पूरा सेटअप को रोटेट कीजिए। जैसा सेटिंग करना है आप जैसा अच्छा सेटिंग कर सकते हैं, उतने अच्छे से सेटिंग होगी और आप उतने अच्छे से इसमें वीडियो बना पाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ और लेडीज़ को भी इधर घुमा देता हूँ। देखिए ये लेडीज़ यहाँ घूम गई, अब मैं इस कैरेक्टर को भी ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक है ना। देखो इस तरीके से ये हमारा वीडियो बनता है, ये कंप्लीट जब हो जाता है तो यहाँ पे इसको हमें स्टॉप कर देना है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं कि काउंटिंग 1 2 3 स्टार्ट से मैंने बनाया था। अब मैं इसको यहाँ से मूव करवाता हूँ और जो कैरेक्टर है जब मैंने इसको रिकॉर्डिंग पर डाला तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ, ये अभी मैंने भी आपको नज़र राउंड किया था वो उस तरीके से ये आपको कुछ राउंड नज़र आ रहा है। रिकॉर्डिंग करने के बाद जो जो मूवमेंट दोगे याद रखना, रिकॉर्डिंग करने के बाद जो जो मूवमेंट दोगे हर एक मूवमेंट उसी तरीके से होगा। और जब आप वीडियो एडिट करना चाहेंगे अब आप वीडियो एडिट कर जो बेकार का पार्ट है उसको काट करके आप उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि ये चुप हो जाए, मैंने ये बोला लेडीज कुछ बोले तो फिर से लेडीज कहे आपको। इस तरीके से हम लोग अपना कार्टून वाले वीडियोस को बनाएंगे, ठीक है। जब ये वीडियो प्लेइंग होना बंद हो जाएगा उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक हमारे गैलरी में चला जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमने जो वीडियो बनाया वो हमारे गैलरी में है कि नहीं। देखिए अभी हमने ये वीडियो बनाया था, रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंटिंग 1 2 3 स्टार्ट हो गया। अब
यहाँ जब हम लोग सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वीडियो सेव्ड इन योर गैलरी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वीडियो था वो गैलरी में दिख रहा है या नहीं। देखिए हमने जो वीडियो बनाया था ये रहा हमारा वीडियो, पे क्लिक कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको बनाया था, ठीक है ना। और कैरेक्टर अब चाहते हैं थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि चलो एडिट कैसे करते हैं इस वीडियो को कंप्लीट बनाने के बाद। कईयों को ये नहीं समझ में आता होगा कि इस तरीके का छोटा छोटा एनिमेशन वीडियो क्लिप बना तो लेते हैं मगर इसको यूज़ कैसे करना है, तो मैं फटाक से आपको इसको एडिट करने का भी तरीका बता देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग जाएंगे जो भी हमारे पास जो भी टूल्स है वीडियो एडिटिंग करने का, मैं फिल्मोरा गो यूज़ करता हूँ क्योंकि काइन मास्टर में एडवर्टीजमेंट आजकल बहुत ज़्यादा आता है और बीच बीच में वो हैंग होने लगता है, तो इसलिए मैं आजकल फिल्मोरा यूज़ करता हूँ जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा है अभी वीडियोज़ बनाने में। देखो ये हमारा स्टार्ट हो गया, यहाँ पर वीडियो फिल्मोरा मैंने ऑन किया, वहाँ पर इंसर्ट करने के बाद मैंने वीडियो को यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम लोग कैसे करके हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो भी हमारा वेस्टेज पार्ट है जिसको हमें काम नहीं है जिसका हमें काम नहीं है, यहाँ तक हमारा बिल्कुल वेस्ट था। और हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, जहाँ से लड़का जो है वो चल करके जाता है। देखो यहाँ से चल के जाना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा पीछे करते हैं और इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कट करके इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से इसको प्ले करेंगे तो देखो अब सीधा जो है ये सीधा यहाँ से चलने को ये आगे कि जा रहा है। अब जो चीज़ आपको यूज़ नहीं करना है उसको बस आप सिलेक्ट करते जाइए और एडिट करते जाइए, कट करते जाइए। आपको अगर एडिट करने आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एडिट का मैंने कम्प्लीट लिंक दे दिया है, वहाँ से जा करके आप वीडियो एडिट करना सीख जाइए। चूँकि वीडियो एडिट करना प्रोफेशनल वीडियो एडिट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके वीडियोज़ जो है वो दिखेंगे और लोग पसंद करेंगे। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। मैं अगर आता हूँ जैसे अब मुझे ये पार्ट्स है, अब यहाँ से ये पार्ट्स को हटाना है, ये लास्ट वाला पार्ट्स को हटाना है, तो वहाँ से आपको बस इसे सिलेक्ट करना है कट करके, आप यहाँ से इसको डिलीट बटन पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए तो आप इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे इस पर, हम लोगों को जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप वीडियो पर आप अपने वॉइस को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो वीडियो में वॉइस यूज़ करना भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है वीडियो में वॉइस इशू करना। अगर मान लो कि जैसे आपको इसके लिए करना क्या होगा ना कि पहले आपको अपने वीडियो का स्क्रिप्ट तैयार कर लेना होगा, उसी के तरीके से आप अपना वीडियो में अपने वॉइस को ऐड कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे में आपको रिकॉर्डिंग बटन दिख रहा है, तो इस रिकॉर्डिंग बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया और ये हमारा वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होना चालू हो गया है, ठीक है ना। ये देखो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है जितना दूर तक मैंने किया, जब यहाँ रोकना है वहाँ पे रोक देना है, जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे आप यूज़ कीजिए, जहाँ पे जो म्यूज़िक ऐड करना है म्यूज़िक ऐड कीजिए। इसी तरीके से आप पूरे वीडियो में आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं। बस इतना जब हो जाए तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दीजिए, फिर आपका वीडियो सेव हो जाता है। इसी तरीके से आप छोटा छोटा भी क्लिप बना सकते हैं, मान ली देखिए इसे कटिंग कर करके भी आप अपने वीडियोज़ का क्लिप छोटा छोटा बना सकते हैं। वीडियो एडिट करने के लिए मैंने जो लिंक दिया है उसको आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, ज़रूर आप देखिएगा, आपको वीडियो एडिट करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी इस तरीके का वीडियो बना करके ढेर सारा पैसा कमा सकें। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।